हेलो एंड वेलकम टू इवॉल्व काई। हम मशीन लर्निंग एंथुजियास्ट कम्युनिटी। इस वीडियो में हम लोग के नेवर क्लासीफायर के बारे में पढ़ेंगे, इसका कोड जानेंगे और सबसे पहले जानते हैं इसकी वर्किंग। तो के नेवर क्लासीफायर एक सिंपल और एक इंटुइटिव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वाइडली यूज होती है। ये इट वर्क बेस्ड ऑन आइडिया डेट ऑब्जेक्ट डेटा सिमिलर टू बिलोंग टू द सेम क्लास। मतलब कि मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझाता हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो हेयर हाउ इट्स वर्क। व्हेन गिवन अ न्यू डेटा पॉइंट, तो द एल्गोरिथम लुक लाइक इट्स के नियरेस्ट नेबर इन अ ट्रेनिंग डेटा सेट। द वैल्यू ऑफ के इज प्री डिफाइंड बाय द यूज़र। तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है 5, और अगर आप कोई दूसरी वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका डेटा सेट कैसा है, छोटा है बड़ा है। मतलब डेटा सेट को देखकर हमें ये देखना होता है कि हम क्या वैल्यू लेते हैं, और अगर आप कोई वैल्यू ले लेते हैं तो बाई डिफॉल्ट ये 5 होती है। द एल्गोरिथम देन असाइन द क्लास लेबल टू द न्यू डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी क्लास ऑफ अ नेबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ के इज इक्वल्स टू 5, देन थ्री ऑफ अ 5 नियरेस्ट नेबर बिलोंग टू क्लास ए, देन न्यू डेटा पॉइंट विल क्लासीफाइड एज ए क्लास ए। और इसका मतलब सिंपली ये है कि मान लीजिए कि ये कोई डेटा पॉइंट है यहाँ पर, और उसके आसपास 5 डेटा पॉइंट और हैं, लेकिन वो 5 डेटा पॉइंट में 3 डेटा पॉइंट एक किसी स्पेसिफिक क्लास के हैं, मान लीजिए क्लास ए के हैं, और बाकी के 2 जो डेटा पॉइंट हैं वो क्लास बी के हैं। तो वो जो डेटा पॉइंट है जिसका हमें बताना है कि ये कौन सी क्लास का होगा, तो ये क्लास ए को दे देगा, क्योंकि उसके नियरेस्ट में सबसे ज़्यादा वही है। और वो नियरेस्ट क्या, तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस देखता है, इक्विलेट मेथड होता है, इक्विलेट डिस्टेंस को देखता है, या मैनहट्टन, दूसरे भी डिस्टेंस आते हैं ना, मैनहट्टन डिस्टेंस और भी डिस्टेंस, लेकिन ये हम लोग इक्विलेट डिस्टेंस से इसका यूज़ करेंगे क्योंकि वो आसान है एकदम। और ऐसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, इक्विलेट डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या होता है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका होल का अंडर रूट होता है। तो डेट इज इक्विलेडियन डिस्टेंस। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ग्राफ है, मान लीजिए कि ये डेटा पॉइंट है जिसकी हमें क्वेरी दी हुई है, और हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या हो सकता है। मतलब मान लीजिए 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी, तो ये क्लास ए को डिपेंड करेगा या क्लास बी पे, और उसने दिया हुआ है कि 5 नेबर से हमें चेक करना है, के इज इक्वल्स टू 5 है। तो ये क्या करेगा, पहले सारी डिस्टेंसेस निकाल लेगा, इक्विलेटरल डिस्टेंस, सारे डेटा पॉइंट्स इसकी कितनी दूरी है, और फिर जो सबसे कम पास दूरी होंगी उनके साथ फिर वो चेक करेगा कि उन सबसे कम 5 दूरी में, जैसे कि ये मान लीजिए एक दूरी है फर्स्ट सेकेंड, ये वाला डेटा पॉइंट हमारा है जिसको हमें बताना है कि ये कौन सी क्लास को करता है, ए या बी, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 पॉइंट हैं जो इसके सबसे पास हैं। मान लीजिए ये 3 पॉइंट करते हैं क्लास ए को, क्लास ए से ये 3 पॉइंट है और क्लास बी से ये 2 पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है ना क्लास ए को ये क्लासिफाई करेगा कि क्लास ए, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा क्लास ए के पॉइंट्स हैं इस वजह से। और मान लीजिए आपका डेटा पॉइंट कुछ क्वेरी का है, वो है ये, और यूज़र ने दिया है कि यूज़र ने आपको दे रखा है कि 2K दिए है, तो हमारे पास 2K कौन कौन से हो जाएंगे सबसे पास, तो सारे डिस्टेंस कर लेगा, सबसे पास वाली डिस्टेंस ये और ये, लेकिन मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस और ज़्यादा पास है इससे, ये वाली डिस्टेंस से, मतलब दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस, सो व्हाट विल हैपन। अब ये दोनों तो पास में है, और ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, तो क्लास ए और बी में ये वाली क्लास ज़्यादा पास है, तो ये वाली क्लास इसको असाइन हो जाएगी। इस तरह से ये के नेवर वर्क करता है। चलिए अब इसका कोड समझते हैं। तो कोड क्या है इसमें, सिंपली सबसे पहले हम पांडा लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराते हैं, उसके बाद हम आरएस डेटा सेट को रीड करते हैं, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल आरएस डेटा सेट ले रहा हूँ, इजी टू यूज़, रिफाइंड और एकदम प्री प्रोसेस डेटा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो पांडा लाइब्रेरी को इसलिए इंपोर्ट कराते हैं जैसे कि हम डेटा सेट को रीड कर पाए, क्योंकि उसमें एक एट्रीब्यूट आता है डॉट रीड csv करके, तो हमने यहाँ रीडिंग की और डेटा में स्टोर करा दिया और डेटा का इन्फो ले लिया। देन हमने अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक को फीचर नाम के वेरिएबल में डाल दिया, और सारी सारी क्या मतलब जो आउटकम क्लास है जिसको हम प्रेडिक्ट कराना चाहते हैं उसको प्रिडिक्शन क्लास में डाल दिया, और उसके बाद उनको एरे में कन्वर्ट कर लिया, एक्स और वाई कुछ इस तरह से। देन हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया, तो इसको करने के लिए हमने एसक्यूएल लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को इम्पोर्ट कराया, एंड देन
चार वेरिएबल बनाए, एक्स प्लेन, एक्सेल, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, और उनको उसमें डाल दिया डेटा को स्प्लिट करके। और हमने अपना टेस्ट डेटा रखा है 30% एंड बाकी 70% इज आर ट्रेनिंग डेटा। देन हमने सबका शेप प्रिंट करा लिया है अपने ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा का। यहाँ पे इसको देख लीजिए, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल कोड दिखाऊंगा और कोड भी डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होगा इजिली। देन हमने क्या किया है, sklearn डॉट नेबर से इम्पोर्ट किया है के नेबर क्लासीफायर को। तो यहाँ पर हमने मॉडल को इंपोर्ट किया, देन यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है। ये इसका हाइपर पैरामीटर, हम यहाँ पर वैसे हमने 5 को ऑलरेडी डिफाइन किया, अगर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते कि 5 नेबर्स हों तो ये बेसिकली डिफॉल्ट भी 5 ही लेता है, और अगर हम चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे 3, 4 जितने नेबर में भी हम चेक करना चाहते हैं। तो फिर हमने क्या किया है, अपने डेटा को ट्रेन कराया। अब हमने ट्रेनिंग डेटा को तो ट्रेन कराएंगे, तो ट्रेनिंग डेटा को इसमें ट्रेन कराने के लिए, मॉडल से ट्रेन कराने के लिए फिट एट्रीब्यूट का यूज़ किया। तो फिट एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमारे ट्रेनिंग डेटा को मॉडल में फिट कर देगा और ट्रेन करने के लिए। और ट्रेन कराने के बाद जो हमारा टेस्टिंग डेटा होगा उसको हम लोगों ने उस पर प्रिडिक्शन जनरेट किए, और उन जनरेटेड प्रिडिक्शन को वाई प्राइड नाम के वेरिएबल में डाल दिया। देन हमने कितने अच्छे से हमारा मॉडल वर्क कर रहा है इस बात को देखने के लिए वाई प्राइड नाम के, वाई प्राइड और वाई टेस्ट इनकी हेल्प से, वाई प्राइड में क्या है हमारे जनरेटेड प्रिडिक्शन है और वाई टेस्ट में हमारा टेस्टिंग डेटा है जो कि क्लासिफाइड है, सॉरी आउटपुट का। और फिर हमने ये किया, इसमें एक्यूरेसी स्कोर जो कि मैट्रिक्स में आता है उसकी हेल्प से परफॉर्मेंस को चेक किया। तो यहाँ देखिए 95% एक्यूरेटली ये बता पा रहा है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल कोड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली कोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हम अपना डेटा सेट लोड करते हैं, फिर डेटा का इन्फो निकालते हैं, ये डेटा इन्फो। फिर हम अपने कैरेक्टरिस्टिक को फीचर में स्टोर कर लिया, और सारे स्पीसीज जो कि हमारा आउटकम है उसको प्रिडिक्शन क्लास में। मैं आपको डेटा सेट भी दिखा देता हूँ कि ये डेटा सेट कैसा है। तो आयरिस डेटा सेट में बेसिकली चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक फ्लावर के सेपल लेंथ विद, पेटल लेंथ विद, और इन चार कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हमें बताना है जो कि हमारी क्वेरी, इन चार कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हमें बताना है कि ये कौन सी स्पीसी का फ्लावर हो सकता है। तो होपफुली अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये कैसे काम करेगा। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था ना क्लास ए और बी की हेल्प से, तो इसमें बेसिकली 3 क्लास है। मैं आपको अब फिर से ले जाता हूँ। तो देखिए क्या हो रहा होगा, मान लीजिए कि आपकी क्वेरी में एक्स है, उसने कुछ पेटल एंड पेटल विद, सेपल एंड सेपल विद दी रखी है, और हमें पता लगाना है कि वो कौन सी स्पीसी हो सकती है। तो के नेबर क्या करेगा, सबसे पहले के नेबर क्या करेगा, सारी डिस्टेंस निकाल लेगा, इक्विलेटरल डिस्टेंस उसकी कितनी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस निकालने के बाद फिर जितने भी के नेबर दिए होंगे सबसे कम वाली डिस्टेंस के साथ वो देखेगा कि सबसे कम डिस्टेंस किसके साथ उसके आसपास है। तो मान लीजिए कि उसने 5 दिए थे, तो यही 5 हम फिर से ले लेते हैं। तो ये 5 हमारे नियरेस्ट डेटा पॉइंट हैं, इनमें से ये आयरिस सिटोसा से है, ये आयरिस वर्जेनिका, ये आयरिस वर्सिकलर, तो मतलब 2 सेम क्लास से हैं और ये दोनों भी सेम क्लास से हैं, और एक कोई तीसरी डिफरेंट क्लास है आयरिस सिटोसा, ये आयरिस वर्जेनिका, ये आयरिस वर्सिकलर। मैंने दिखाया ना, अभी आपको दिखा दूंगा कि इसमें 3 क्लासेस हैं स्पीसीज, आयरिस वर्जेना, आयरिस सिटोसा, आयरिस और वर्सिकलर, लेकिन ये सबसे कम डिस्टेंस पे है। तो ये आयरिस सिटोसा है अगर, तो ये आयरिस सिटोसा ही क्लासिफाई कर देगा क्योंकि इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस है इस डेटा पॉइंट से। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ये देखिए ये डेटा सेट में आयरिस सिटोसा, आयरिस वर्सिकलर और आयरिस वर्जेनिका 3 स्पीसीज है। यहाँ हमने डेटा को रीड करा लिया, अभी इसके बाद हमने इसे एरे में कन्वर्ट कर लिया, देन हमने इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट किया, देन हमने अपने यहाँ मॉडल को बिल्ड किया और यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया। देखिए हम यहाँ पे ऐसे 10 नेबर ले रखे हैं, और अगर मैं कोई भी नेबर नहीं लूँगा तो ये बाय डिफॉल्ट 5 नेबर मानता है, ये ऐसे और ये ऐसे। अब मैं आपको इसको एक डेटा सेट पे और रन करके दिखाता हूँ जिसका नाम है पाइमा डायबिटीज डेटा सेट। तो इस डेटा सेट में क्या होता है, हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए होते हैं और उसकी हेल्प से हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि बंदे को डायबिटीज़ है या नहीं, अगर डायबिटीज़ है तो 1, नहीं है तो 0, है ना। तो अब होपफुली आप इसे तो अच्छे से इमेजिन कर ही पाएंगे कि ये कैसे करता होगा, के नेबर क्लासीफायर इस पर कैसे करता होगा। मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल से बताया है।
ये वाला आप खुद से सोचिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, उम्मीद है कि समझ पाएंगे आप इसको। और मैं इसको सीधा रन करा के दिखाता हूँ इसके कोड को। तो सबसे पहले हमने पार्ट डाला, तो ये सेम डायरेक्टरी में है इसलिए हमने इसका वैसे पार्ट डाल दिया है सीधा नाम। अगर ये दूसरी डायरेक्टरी में तो आप इसे कॉपी एज पाथ करेंगे और यहाँ पर पाथ को पेस्ट कर देंगे। पाइमा डायबिटीज डेटा सेट डॉट सी एस वी, डेटा का यहाँ इनपुट लिया। एक अप्रोच ये है कि इसमें सारे जो कैरेक्टर्स थे क्या हम उनको एक एक करके लिखें और उसको फीचर में डाल लें, तो ये थोड़ा सा लंबा जाता है ना, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ये वाले मेथड को। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स में सारे कॉलम ले लेंगे और आउटकम जो कि हमारा प्रेडिक्शन क्लास है जिसे हम प्रेडिक्ट करेंगे डायबिटीज़ है या नहीं उसको हम लोग ड्रॉप करा देंगे। तो उसके लिए एक्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट सॉरी डेटा सॉरी डेटा डॉट ड्रॉप कॉलम इज इक्वल टू, कौन सा कॉलम हमें ड्रॉप कराना है, इसका नाम है आउटकम। ओ रन हो गया क्या ये, ये देखिए इस पे जो डेटा सेट है उसमें कॉलम का नाम है आउटकम, इसमें कैपिटल ओ है और मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल ओ, तो ये एरर आ गया। मतलब कि ये केस सेंसिटिव है, इसको इसका भी आप ध्यान रखिएगा। वाई इज इक्वल्स टू, अब हमारा जो वाई है जो कि प्रेडिक्शन क्लास है वो तो हमारी आउटकम ही है, तो सीधे डेटा आउटकम। तो आपको यहाँ पर केस सेंसिटिव या स्पेलिंग का ध्यान रखना है, स्पेलिंग गलत एरर इनकमिंग। यहाँ में हमने डेटा को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया, यहाँ पे हमने अपने मॉडल को बिल्ड किया, यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन जनरेट किया। तो अभी सब इतना कुछ करके हमने जाना कि के नेवर क्लासिफायर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंट्यूटिव एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होती है। ये इट रिलाई ऑन आइडिया दैट इट इज सिमिलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द सेम क्लास, इसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे। बाय एग्जामिंग द के नियरेस्ट नेबर ऑफ अ न्यू डेटा पॉइंट इट डिटरमाइन इट्स क्लास लेवल बेस्ड ऑन अ मेजोरिटी क्लास समिंग द क्लासिफायर। दिस एल्गोरिथम डज नॉट मेक असम्पशन अबाउट द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग इट वर्सेटाइल अक्रॉस डोमेन। हाउएवर चूजिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ के इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अपर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। द के नेवर क्लासीफायर प्रोवाइड अ सिंपल येट इफेक्टिव अप्रोच टू द क्लासीफिकेशन इनेबलिंग रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन एंड क्लासीफाई न्यू डेटा पॉइंट बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी टू एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।